वेलकम बैक टू इंपोर्ट लाइफ यूट्यूब चैनल। दोस्तों मेरा नाम दिलसाद और आज किस नई वीडियो में हम कवर करने वाले टाटा आईपीएल का मैच नंबर 29 जो कि फिलहाल खेलेगा चेन्नई सुपर किंग वर्सेस सनराइजर हैदराबाद के बीच में। वैसे इस मैच में अपनी ग्राउंडिंग टीम किस प्रकार से बनाएंगे, पिच की कंडीशन क्या रहने वाली हैदराबाद की तरफ से, दोस्तों हमें किन किन प्लेयर को रखना है, या तो चेन्नई टीम की तरफ से दोस्तों हमें किन किन प्लेयर को अपने टीम में रखना है और एक यूनिक टीम दोस्तों कैसे बनानी, बेस्ट कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस क्या रहेंगे, ये सारी चीजें दोस्तों आपको इस वीडियो में डिटेल्स बाय डिटेल्स मिल जाएंगी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है रिसेंट पंजाब वर्सेस आरसीबी का जो मैच हुआ गाइस, वहां पे आपने मेरा प्रेडिक्शन जो देखा था गाइस बिल्कुल एग्जैक्ट 110%, और साथ ही साथ दोस्तों जो मैंने आपको टीम प्रोवाइड करी वहां पे भी दोस्तों आपने देखा है डुप्लेसिस कैप्टन थे भाई टीम के, ठीक है, और उसके साथ साथ वाइस कैप्टन विराट कोहली मेरे भाई, तो लाखों तो वहां पे आने ही वाले हैं। तो इस मैच में वो कौन से प्लेयर होंगे जो कि ट्रंप हो गए लाखों करोड़ दोस्तों विन कराएंगे, तो वीडियोस कंप्लीटली देख लिए। एंड अगेन बात कर लेते हैं टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करेंगे, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको सारे अपडेट मेरे मिल जाते गाइस, और जाकर दोस्तों आप लोग प्रूफ जो है मेरी टीम का देख लीजिए। जिस वीडियो को गाइस देख रहे हैं उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आइए, यहाँ पे लिंक मिलेगा, किसी भी लिंक पर दोस्तों क्लिक करिए, क्लिक करने के बाद आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर आ जाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए गाइस फ्री टीम नो प्राइम, कोई भी पैसे आपसे दोस्तों कोई नहीं लेता, ठीक है, मेरे चैनल पे अगर आप आते हैं तो, और अगर दूसरे चैनल पे जाते हैं सर्च करके तो वहां पे आपको मेरे नाम से जो कि भीख मांगते हैं वो लोग दिखाई देंगे गाइस, क्योंकि यहां पे हम हर मैच में बैक टू बैक आईपीएल लिए सभी मैचेस में विन कर रहे हैं, तो यार उनको पता है मेरे नाम से भीख मांगेंगे तो मिल ही जाएगा, बट आपको दोस्तों देने नहीं मेरे नाम से कोई भी पैसे। ओके गाइस, तो फाइनल आप लोग यहां पे ज्वाइन कर लीजिए। एंड अगेन बात करते हैं यहां पे मैच डिटेल्स के बारे में, टाटा आईपीएल का मैच नंबर 29 जो कि फिलहाल 21 अप्रैल इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 7:30 में दोस्तों स्टार्ट होगा। चिदंबरम स्टेडियम में मैच खेला जाएगा जो कि दोस्तों चेन्नई में। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 50,000 का बिल्कुल फ्री गिव अवे ज्वाइन करते चलिए। कैसे गाइस, रियल 11 एप्लीकेशन को सबसे पहले डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मैंने ऑलरेडी लिंक प्रोवाइड कर रखा है। उसके बाद दोस्तों आपको आना है चेन्नई वर्सेस हैदराबाद के मैच में, एंड दोस्तों आपको फ्री गिव अवे 50,000 का मिला है, मेरे भाई टीम बनाइए और बिल्कुल फ्री में पार्टिसिपेट करिए। दोस्तों बात करते हैं हेड टू हेड के बारे में, जो कि दोनों टीम के बीच में टोटल 18 हेड टू हेड मैच खेले गए, जिसमें कि चेन्नई सुपर किंग को 13 मैच की विनिंग मिली है और हैदराबाद को दोस्तों यहाँ पे 5 मैच की विनिंग मिली हुई है। तो कहीं ना कहीं एडवांटेज तो यार चेन्नई सुपर किंग के पास रहेगा, क्योंकि होम ग्राउंड भी है और ये दोस्तों वन साइडेड मैच हो सकता है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ इस मैच में अच्छा प्रॉफिट करेंगे, जैकपॉट मैच है। रिसेंट फॉर्म की बात करते हैं यहाँ पे इस प्रकार से है, क्योंकि टीम दोस्तों जिस प्रकार से खेल कर गई, किस प्रकार से विन है और किस प्रकार से लॉस है दोस्तों आप लोग देख सकते हैं। एंड अगेन बात करते हैं यहाँ पे पिच रिपोर्ट के बारे में, पिच की कंडीशन क्या रहने वाली, किस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे हमारी टीम में बॉलर्स और बैट्समैन को रखना है वो समझ लेते हैं। लास्ट 5 मैच अगर हम दोस्तों देखते हैं यहाँ पे इस ग्राउंड पे चिदंबरम स्टेडियम में, तो 24 विकेट जो कि पेसर को मिली हुई, जिसमें कि फर्स्ट इनिंग में 18 विकेट, सेकेंड इनिंग में 6 विकेट और स्पिनर को टोटल 28 विकेट मिली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप यहाँ पे देखिए पेसर को 24 और स्पिनर को 5 मैच में 28 विकेट मिली मेरे भाई, तो ये पिच जो कि स्पिनर के लिए काफी ज्यादा सुइटेबल है और जो कि पेसर को देखते हुए। एंड उसके बाद अगर हम बात करें फर्स्ट इनिंग में 13 विकेट, सेकेंड इनिंग में 15 विकेट, तो स्पिनर को इस मैच में आप जरूर जगह दीजिएगा इस पिच को देखते हुए। एंड लास्ट 5 मैच का अगर हम स्कोरिंग पैटर्न देखते हैं जो कि चिदंबरम स्टेडियम में, तो यहाँ पे देखिए रिसेंट जो मैच हुआ है राजस्थान रॉयल्स ने 175 रन बनाए हुए थे, जिसमें कि चेन्नई चेस करते दोस्तों 172 पे मतलब मैच को विन नहीं कर पाई। उसके बाद यहाँ पे सीएसके 217 बनाए, लखनऊ सुपर जायंट्स ने दोस्तों 205 का स्कोर चेस किया, उसके बाद दिल्ली कैपिटल ने 159 बनाया, फिर हैदराबाद ने दोस्तों यहाँ पे 159 बना करके फिलहाल मैच को विन नहीं कर पाई। बट दोस्तों यहाँ पे आपको बता दूं कि अगर एक तरीके से देखें तो मैच विनिंग ही था दोस्तों। मुंबई इंडियंस ने 131 बनाया, पंजाब ने 132 बनाकर यहाँ पे मैच को विन किया इसी ग्राउंड पर। एंड उसके बाद यहाँ पे पंजाब ने 120 बनाया, हैदराबाद ने दोस्तों फिलहाल 121 बनाकर मैच को यहाँ पे विन किया। तो यार स्कोरिंग पैटर्न है जिस हिसाब से आप देख रहे हैं, तो कुछ दो ही अगर मैच के देखते हैं तो लोवेस्ट स्कोर बना है, ठीक है, अदरवाइज यहाँ पे 159, फिर 217, 175 और 217 भी दोस्तों लखनऊ ने यहाँ पे 205 तक पहुंचाया है स्कोर। तो पिच दोस्तों देखिए स्पिनर के लिए तो बढ़िया है ये, और साथ ही साथ यहाँ पे बैटिंग के लिए कुछ खास मतलब देखने को आपको मिल सकती है लास्ट के कुछ ओवर में दोस्तों। डिसेंट फॉर्म था बैटर्स का यहाँ पे जो कि आपने यहाँ पे देखा होगा। ओके, तो पिच तो मैंने आपको लेकर देखिए स्पिनर आपको लेकर जाना है, बैट्समैन भी रखने हैं, बट पेसर को थोड़ा सा कम करना है इस मैच में। स्पिनर कौन से होंगे वो दोस्तों जानेंगे। एंड अगेन बात करते गए यहाँ पे जो कि पिच का व्यू रहने वाला है, ठीक है, स्टेडियम का इस प्रकार से गाइस देख लीजिए, थोड़ा सा ग्राउंड बड़ा भी हो सकता है। एंड बात करते हैं यहाँ पे टीम न्यूज़ के बारे में, कोई ज्यादा अपडेट आपको रहेगा नहीं दोनों टीम से, एंड जो और अपडेट रहेंगे वो टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, तो फिलहाल आप लोग जो है फटाफट ज्वाइन करिए। एंड बात करते हैं यहाँ पे टीम के जो कि प्रबल प्लेइंग उनके बारे में दोनों टीम के, तो यहाँ पे ये भी जानेंगे कि कौन से बॉलर्स को फिलहाल फर्स्ट ओवर मिलता है, कौन डेथ बॉलिंग कराने जाता है और कौन सा दोस्तों जो बॉलर है वो स्टार्टिंग ओवर लेकर के आता है।
जिससे गाइस क्या होगा कि हमें आसानी हो जाएगी टीम सिलेक्शन करने की और प्लेयर को पिक करने की। बात करेंगे सबसे पहले सीएसके के प्रबल प्लेइंग 11 के बारे में, गाइस यहां पे देख लीजिएगा, ठीक है, जो रही है रिसेंट वही रहने वाली, कोई चेंजमेंट होता है मेरे भाई तो आपको अपडेट दे दूंगा। दोस्तों यहां पे देखिए ओपन गैकवर्ड और कॉनवे करते हैं, फिर रजी रहाड़े तीसरे नंबर पर, शिवम दुबे दोस्तों चौथे नंबर पर, और इसी मैंने दोस्तों मैंने शिवम दुबे को प्रेडिक्ट किया था कि बंदा मारेगा और आपने देखा भी। पांचवें नंबर अंबती रायडू, मोइन अली, फिर महेंद्र सिंह धोनी, रविंद्र जडेजा, महेश तिकासाड़ा, और यहाँ पे मदीसा पथिराना, तुषार पांडे। देखिए दोस्तों अगर बात करें फिलहाल सीएसके की तरफ से जो स्पिनर आपको मिलेंगे रविंद्र जडेजा, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे महेश तिकासाड़ा, मोइन अली, तो ये कुछ अच्छा करने वाले तीन, इन तीनों में दोस्तों आप किसी न किसी को कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक लेकर के जा सकते हैं। और दोस्तों ट्रंप रहेंगे जो कि आपको यहाँ पे लाखों करोड़ों या विन करा सकते हैं पिच को देखते हुए, पिच की कंडीशन देखते हुए। बाकी सारे जो बोला दोस्तों पेसर रहने वाले स्टार्टिंग की ओर जो कि इस टीम के लिए कराते हैं पथिराना, तुषार देशपांडे, एंड अगर हम बात करते हैं पावर प्ले दोस्तों फिलहाल यहाँ पे मोइन अली, ठीक है साड़ा, तो पावर प्ले दोस्तों कहीं ना कहीं अच्छा इस विकेट इनको मिलने के चांसेस रहेंगे। उसके डेथ में दोस्तों आपको तुषार देशपांडे, पथिराना, और आपको पता है रविंद्र जडेजा इस स्पेल जो कि बेसिक कराते हैं, ओके तो आप समझ गए होंगे। एंड उसके बाद बात करते गए यहाँ पे सारे यानी कि सनराइजर हैदराबाद के टीम के प्रबल प्लेइंग उनके बारे में, इस टीम के जो ओपनर है हैरी ब्रुक, मयंक अग्रवाल, फिर तीसरे नंबर दोस्तों राहुल त्रिपाठी, फिर चौथे नंबर एडम मार्कम, फिर हेनरिक क्लासन, अभिषेक शर्मा, एंड फिर वासिंग सुंदर, मार्कुस जेनसन, भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, मयंक मार्कंडे। देखिए दोस्तों इस टीम के लिए जो ओपनिंग कोर कराते हैं भुवनेश्वर एंड मयंक जेनसन, पावर प्ले दोस्तों मार्कुस जेनसन एंड वासिंग सुंदर, यहाँ पे डेथ में दोस्तों आपको मिलते हैं भुवनेश्वर कुमार एंड नटराजन गाइस, ठीक है। तो गाइस अगर हम बात करें इस टीम में जो ओपनर देखिए मयंक मार्कंडे एक अच्छी फॉर्म में नजर आ सकते हैं, भुवनेश्वर कुमार और नटराजन दोस्तों पेसर हैं, मार्कुस जेनसन दोस्तों पेसर हैं, और वासिंग सुंदर की बात करते हैं गाइस सुंदर तो फिलहाल यहाँ पे राइट आर्म ऑफ ब्रेक स्पिन बॉलर्स हैं। अभिषेक शर्मा देखिए थोड़ा सा अगर हम बात करें स्पेल की तो स्पेल नहीं मिल रहे, बाकी गाइस इस मैच में आपको एडम मार्कम भी स्पेल करा सकते हैं, स्पिनर स्पिन के लिए एडवांटेज है गाइस, उसके अकॉर्डिंग पिच की कंडीशन देखते हुए स्पेल करा सकते हैं गाइस। बाकी स्पिनर कौन कौन से बॉलर्स या ऑलराउंडर गाइस वो मैंने क्लियर कर दिया। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि रियल इलेवन पर आप ट्रेडिंग करके लाखों रुपए कैसे कमा सकते हैं। सबसे पहले आपको रियल इलेवन एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखा है। एंड गाइस उसके बाद आपको चेन्नई वर्सेस हैदराबाद का जो मैच दिख रहा है इस पर मैं क्लिक करूंगा, अदरवाइज आप कोई से भी मैच पर क्लिक करिए और सभी मैच में आप ट्रेड कर सकते हैं गाइस। उसके बाद यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा ओपनिंग का ऑप्शन मिल रहा है आपको सबसे टॉप पे, एंड दोस्तों इस पर क्लिक करने बाद हमें क्या मिला है ट्रेडिंग का ऑप्शन इस पर कहा से गाइस, ठीक है। ट्रेड कैसे करेंगे मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देख लीजिएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे जैसे कि आपसे क्वेश्चन पूछा कि चेन्नई टू विन द मैच वर्सेस हैदराबाद, क्या चेन्नई टीम हैदराबाद से मैच को विन कर सकती है, आसान आसान आपसे यहाँ सवाल पूछे जाते हैं, आपको यस या नो करना गाइस। जैसे कि मुझे लग रहा है चेन्नई विन कर सकती है तो यस ऑब्वियसली मैं यस पे क्लिक कर दूंगा। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ पे अपना अमाउंट आप कितना लगाना चाहते हैं चूज करना है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे यूजर्स कितने यूजर्स के साथ आप खेलना चाहते हैं, दो लोगों के साथ, तीन लोगों के साथ, एंड उसके बाद क्या करना है आपको टाइप टू ज्वाइन पे जो है दोस्तों क्लिक कर देना है और वेट करना है मैच विनिंग का, और दोस्तों आप यहाँ पे लाखों विन कर सकते हैं। हाँ दोस्तों बात करते हैं कैसे हम अपनी टीम को बनाएंगे, प्रबल प्लेइंग 11 आपने क्लियर कर लिया है और किस बॉलर्स को कहाँ पे बॉलिंग दी जाती है वो भी आपने जान लिया है। अब यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर लेते हैं, दोनों टीम के सबसे पहले बात करेंगे विकेट कीपिंग सीजन जो प्लेयर मिल रहा है। सबसे पहले चेन्नई की तरफ से बात करेंगे इस टीम के लिए जो विकेट कीपर हैं डेविड कॉनवे और महेंद्र सिंह धोनी जो कि सेक्शन से मिल रहे हैं विकेट कीपर के, जिसमें अगर हम कॉनवे की बात करेंगे रिसेंट देख रहे हैं दो मैच में बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट दिखे हैं, एडवांटेज वाली बैटिंग दोस्तों उन्होंने करी है। बाकी कुछ और मैचेस की बात करेंगे तो यहाँ पे दो मैच में ओनली फ्लॉप हुए, बाकी ठीक ठाक दोस्तों ये बैटिंग करके आ रहे हैं। हैदराबाद की तरफ से अगर देखते हैं तो फिलहाल इनका जो गेम्स में परफॉर्मेंस है गाइस एक मैच में 85 रन है, बहुत ही गजब। हैदराबाद के गेम्स में बहुत अच्छी बैटिंग दोस्तों करके आ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें वेन्यू पे दो मैच उन्होंने खेले चितंबर स्टेडियम में जिसमें 97 रन हो चुके हैं, 48 के एवरेज से दोस्तों ये बैटिंग कर रहे हैं। तो मेरे भाई कहीं ना कहीं अगर आप देखते हैं तो फिलहाल जो ये मैच है 47 और 50 इनका दोस्तों जो एवरेज है इसी ग्राउंड का है, तो भाई कंसिस्टेंट बैटिंग कर रहे हैं, पिच पे भी इनको अच्छी हेल्प मिल रही है, तो आप इनको टीम में पिक करिए और साथ साथ जो है कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक भी करके जाइएगा। महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं रिसेंट आप देख रहे हैं तो यार बैटिंग ग्राउंड का बहुत डाउन है, बाकी हेड कॉर्ड स्पिन रिकॉर्ड तो ठीक ठाक ही रहेगा क्योंकि बैट्समैन ही ठीक है गाइस आपको पता है, बट जब वो बैटिंग ऑर्डर अभी आप डेथ में देख रहे हैं तो यार उसके अकॉर्डिंग इनको ड्रॉप करके चले जाएंगे गाइस। एंड अगेन बात करेंगे यहाँ पे हैदराबाद की तरफ से जो आपको विकेट कीपर सेक्शन से प्लेयर मिल रहे हैं हेनरिक क्लासन, जो कि रिसेंट फॉर्म अगर हम देख रहे हैं तो गाइस दो तीन मैच इन्होंने खेले में ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, मतलब बैटिंग मिली गई तो आपको पॉइंट जरूर देंगे इस मैच के लिए, ट्रंप रहेंगे क्योंकि तो स्पिनर के लिए पिच सपोर्टेड है और यहाँ पे देखिए लोवेस्ट स्कोर भी बनता है वो भी आपको पता है, तो कहीं ना कहीं बैटिंग तो इनको आएगी क्योंकि पांचवें छठवें नंबर दोस्तों यहाँ बैटिंग करने आते हैं। एंड अगर हम बात करें चेन्नई के केस में एक मैच है जिसमें 7 रन है वे नहीं दोस्तों इनका एक भी मैच नहीं, बट दोस्तों देखिए 3 से 4 टीम अगर हम बनाते हैं तो इनको टीम में जरूर हम रखेंगे, ये ट्रंप रहेंगे इस मैच के लिए। एंड बात करेंगे यहाँ पे बैटिंग सेक्शन से जो आपको दोनों टीम से प्लेयर मिल रहे हैं और किन किन प्लेयर को दोस्तों आप अपनी टीम में जगह देंगे वो जान लेते हैं। तो फिलहाल देखिए चेन्नई की तरफ से हम बात करेंगे गायकवाड़, अजिंक्य रहाड़े, शिवम दुबे, अंबती रायडू, ये चार प्लेयर आपको मिल रहे हैं।
एंड उसके बाद गायकवाड़ की बात करते गाइस, रिसेंट दो मैच लगातार ये फ्लॉप रहे, अब लोगों का भरोसा इन पे कम हुआ होगा। कैप्टन वाइज कैप्टन अब दोस्तों इनको बहुत कम लोग ट्राई करेंगे क्योंकि आपने देखा ही है। बाकी रिसेंट अगर आप देखते हो स्टार्टिंग मैच बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट ये बैटिंग करके आ रहे हैं। एंड अगर हम बात करें जो हैदराबाद के केस में इन्होंने चार मैच खेले जिसमें कि 258 रन बनाए, 58 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। इस ग्राउंड पे दो मैच हैं जिसमें कि दोस्तों 65 रन बनाए और 32 के एवरेज से जो है बैटिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिलहाल ये कंसिस्टेंट है ग्राउंड पे, बट अगर आप देख रहे हैं तो फिलहाल यहाँ पे जो है एक मैच अच्छी बैटिंग है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ये फ्लॉप भी है इस ग्राउंड पे। तो यार सभी टीम में रखना नहीं है, बाकी टीम में दोस्तों रख कर जाएगा इस मैच के लिए ट्रंप भी रह सकते हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करेंगे, रिसेंट अगर आप देख रहे हो सभी मैच में कंसिस्टेंट बैटिंग करके आ रहे हैं, 30+ दोस्तों ये रन आपको जरूर दे रहे हैं, ठीक है। तो अब ये सभी लोग इन पर अंधा भरोसा करेंगे, सभी लोग बिल्कुल आग बंद करके इनको अपनी टीम में जगह दे रहे हैं, ये भी आपको पता होगा, शायद आप भी यही सोच रहे होंगे। बाकी अगर हम बात करें हैदराबाद के केस में, टोटल उनके 18 मैच हैं जिसमें कि 425 रन इन्होंने बनाए हुए हैं। 23 के ओवर से बैटिंग करते हैं इस ग्राउंड पे, 6 मैच हैं जिसमें कि 89 रन है और 14 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं गज। बट मेरा अगर हम प्रेडिक्शन देखते हैं, टिप्स एंड ट्रिक की बात करते हैं, तो फिलहाल ये बंदा इस मैच में फ्लॉप हो सकता है। तीन टीम बनाते हैं मेरे भाई, तो ओनली वन दोस्तों आप एक टीम में रखकर जाइएगा, अगर एक टीम बनाते हैं तो भाई ड्रॉप भी आप करके जा सकते हैं। क्यों दोस्तों, देखिए ग्राउंड पर अगर हम देखें तो कुछ खास कंसिस्टेंट बैटिंग देखने को नहीं मिल रही है, ये भी आपको ध्यान रखना। 6 मैच में 89-14 के ओवर से बैटिंग करते गए। एंड ये बंदा देखिए मैं कहूंगा इसी के ऊपर हमें रिस्क लेना चाहिए ड्रॉप करने का, अगर फ्लॉप होता है तो हम वन साइडेड विन करेंगे। बाकी एक टीम बनाते गए तो फिर लेकर के जाएगा। एंड उसके बाद बात करते हैं शिवम दुबे की, रिसेंट वगैरह हम देख रहे हैं, देखिए अच्छी बैटिंग, 52 रन यहाँ पे मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बंदे को लेकर के जाइएगा, कम सिलेक्शन था और अच्छा स्कोर बनाएगा क्योंकि जो रिकॉर्ड था गाइस उसके अकॉर्डिंग। बात करेंगे यहाँ पे चेन्नई का जो ये परफॉर्मेंस इनका है तो ठीक ठाक है रिसेंट। एंड अगर बात करें हैदराबाद के गेस पे, 4 मैच है जिसमें 23 रन बनाए और दोस्तों 5 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं शिवम दुबे, तो इस मैच में फिर से कहीं ना कहीं अपनी पुरानी फॉर्म में आ सकते हैं और कम रन पे दोस्तों आउट हो सकते हैं। बाकी अगर हम बात करते हैं ग्राउंड पे, 3 मैच है जिसमें 37 रन है और 12 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं मेरे भाई। तो यार कहीं ना कहीं रहाणे या शिवम दुबे दो में किसी एक को ही आपको पिक करके जाना है क्योंकि दोस्तों बैलेंसड पिच भी हो सकते हैं, आपको पता है स्कोरिंग बनता है बट दोस्तों ज्यादातर यहाँ पे लोवेस्ट भी बनता है, ये भी आपको ध्यान में लेकर चलना है। अंबती रायडू की बात करते हैं गाइस, रिसेंट फॉर्म देखिए अगर हम देखें तो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे हैं, मतलब उतना खासा स्कोर देखने को नहीं मिला इस सीजन में। बात करेंगे हैदराबाद के केस में, 19 मैच है जिसमें कि 540 रन 28 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं, इस ग्राउंड पर 16 मैच है जिसमें कि 268 रन है 16 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। टीम सिलेक्शन की बात करेंगे तो यार सभी टीम में लेकर तो जाना नहीं, बट स्मॉल लीग के लिए और हेडवेड के लिए एक अच्छे पिक हो सकते हो क्योंकि अगर देखें तो 16 और 20 27 रन इस प्रकार से अगर रन बनाते हैं तो फिर भी आपको 20 से 25 30 पॉइंट ये जरूर प्रोवाइड कर सकते हैं, ओके। एंड बात करें हैदराबाद की टीम से जो बैटिंग से आपको प्लेयर मिल रहे हैं, हैरी ब्रूक की बात करें, देखिए 3 मैच लगातार ये फ्लॉप ही है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे सत्ता गया, फिर आपने सभी लोगों ने टीम में रखा एंड फिर अगेन दोस्तों ये फ्लॉप हुए, आउट ऑफ फॉर्म गए पुराने अपने फॉर्म में दोस्तों और फिर से फ्लॉप हुए, ठीक है। बात की चेन्नई के केस में और वेन्यू दोस्तों एक भी मैच नहीं, टीम में रखने के लिए रखने का इस टीम में रखने बट सभी टीम में रखना भी नहीं, या भी आपको दोस्तों बता रहा हूँ। ज्यादा रिस्क पसंद है मेरे भाई तो आप कैप्टन वाइज कैप्टन भी बना सकते हैं, बाकी यार जो इनका रिकॉर्ड रहा है यार कुछ खास नहीं है, एक मैच में दोस्तों इन्होंने ठीक रन बनाए, बाकी तो मैं इस मैच में कहूंगा कि कैप्टन वाइज कैप्टन बनाइएगा। 3 टीम बनाते तो एक टीम में आप इनको जरूर दीजिएगा जगह दीजिएगा, उसके बाद नहीं। एंड उसके बाद बात करते यहाँ पे मयंक अग्रवाल, क्योंकि रिसेंट अगर हम देख रहे हो तो फिलहाल ठीक बैटिंग की भी देखने को मिल रही है, तो ज्यादा कंसिस्टेंट दोस्तों ये भी नहीं है, 2 मैच लगातार फ्लॉप, उसके बाद फिर 21 फिर 48, तो भरोसे वाले प्लेयर्स गाइस ये भी नहीं रहेंगे। एंड अगर हम बात करें फिलहाल जो है हेडवर्ड यानी चेन्नई के केस में, 7 मैच में 260 रन 15 के ओवर से बैटिंग करते हैं, चेन्नई टीम के केस में वैसे भी कुछ खास कर नहीं पाते। वेन्यू पे 9 मैच है जिसमें 189 रन 21 के ओवर से बैटिंग करें, ग्राउंड पर थोड़ा ठीक रहता है बट हैरी ब्रूक और मयंक अग्रवाल दोस्तों दोनों दो में से कि एक को ही आप पिक करके जाएं, क्योंकि दोस्तों जागो हैदराबाद दोनों टीम का है, आपने देखा 13 मैच चेन्नई ने विन करे और 5 मैच हैदराबाद ने विन करे, दस यहीं से आप अंदाजा लगा लीजिएगा किस हिसाब से परफॉर्मेंस होने वाला है। एंड बात करें राहुल त्रिपाठी की, देखिए यहाँ पे 2 मैच इन्होंने अच्छा स्कोर दिया 74 को, उसके बाद लगातार फ्लॉप हुए, आप लोग यहाँ पे कम भरोसा करेंगे ऊपर। हेड रिकॉर्ड्स की बात करते हैं, 10 मैच चेन्नई के इसमें 232 रन है 23 के ओवर से बैटिंग करें, इस ग्राउंड पर 4 मैच है 122 रन है 30 के ओवर से बैटिंग करें, जब कंसिस्टेंट हो सकते हैं फिर से एक बार अच्छा बैक कर सकते हैं राहुल त्रिपाठी, तो इनको दोस्तों आप टीम में जरूर जगह दीजिएगा, ये ध्यान में लेकर चलना है। बात करेंगे अभी सिर्फ तरह की, तो यार नीचे बैटिंग करने आते गए, अगर हम देखते हैं रिसेंट तो कुछ खास बैटिंग नहीं देखने को मिल रही, बाकी दोस्तों चेन्नई के गेस में बहुत ही अच्छी बैटिंग करती है, 5 मैच में 165 रन 33 के ओवर से बैटिंग करेंगे। ग्राउंड पर अगर हम देखते हैं तो फिलहाल ग्राउंड पर कुछ खास नहीं, 3 मैच में 7 रन 2 के ओवर से बैटिंग कर रहे हैं। बाकी चेन्नई के गेस पर देखते हुए अभिषेक शर्मा दोस्तों आप रख सकते हैं, जब आप मयंक अग्रवाल को ड्रॉप कर रहे हो ठीक है दोस्तों, या हैरी ब्रूक को ड्रॉप कर रहे हैं तब आप इनको ट्राई करिएगा, आपको अगर ये बैटिंग मिलती है बंदे को तो अच्छा स्कोर ये प्रोवाइड करके जरूर देगा। एंड अगेन बात करते हैं यहाँ पे ऑलराउंडर सेक्शन जो आपको प्लेयर मिल रहे हैं दोनों टीम से, किन के प्लेयर को हम अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं, सबसे पहले बात करेंगे चेन्नई की तरफ से मोइन अली रविंद्र जडेजा। मोइन अली दोस्तों अगर हम देखते हैं रिसेंट देखिए स्पेल भी करा रहे हैं और ठीक ही परफॉर्मेंस है, मतलब हाईएस्ट इनका जो रहा है 19 रन प्लस 4 विकेट,
अगर हम बात करें हेडवर्ड हैदराबाद की, इसमें 7 मैच है, 157 रन है, 22 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं और फिलहाल 7 मैच दोस्तों एक ही विकेट है, क्योंकि स्पेल दोस्तों आपको पता है स्टार्टिंग मैच उन्होंने कराई नहीं, जब से इनको विकेट मिलेगा जब से स्पेल करा रहे नहीं लगेंगे, ठीक है। तो बैटिंग को ठीक करने वाला इसका औसत ठीक ही है, वेन्यू पे 3 मैच है जिसमें 35 रन है गाइस और फिलहाल 11 करोड़ से बैटिंग कर रहे हैं और 3 मैच दोस्तों 6 विकेट है गाइस, ये ध्यान में लेकर के चलना है। मतलब वेन्यू पे अगर हम देखते तो गाइस विकेट इनको ठीक ठाक मिलेगी, ठीक है, और बैटिंग हेडवर्ड में बढ़िया कर रहे हैं तो टीम में तो उनको लेकर चलना है। और स्पिन के लिए कुछ खास पिच है जो कि आपने देखा ही है विकेट हिसाब से मिली है, तो यार मैं तो कैप्टन वाइस कैप्टन करके जाऊंगा एक टीम में मोइन अली को। जडेजा की बात करें रिसेंट अगर देखते हैं यहाँ पे विकेट नहीं मिले इनको, अगर यहाँ पे 25 रन प्लस 2 विकेट फिर 3 विकेट और यहाँ पे फिर 0 फिर 1 विकेट गए। एंड अगर बात करें हैदराबाद के केस में 21 मैच इन्होंने खेले जिसमें दोस्तों 222 रन बनाए और 10 करोड़ से बैटिंग करें, 4 विकेट निकाली हुई है। एंड वेन्यू दोस्तों अगर बात करते हैं 36 मैच में दोस्तों फिलहाल 306 रन बनाए, 8 करोड़ से बैटिंग करते हैं, 21 विकेट भी हैं। तो गाइस आप सोच रहे होंगे यार 21 मैच कैसे हो गए जब हेड टू हेड की 18 मैच है, तो मेरे भाई आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। अदरवाइज कोई सा भी प्लेयर मैं बता दूं कि दूसरे टीम से भी पहले रहा होगा, टीम के केस में अगर खेला होगा दूसरे टीम से भी रह के, तो उसको भी दोस्तों हम काउंट करते हैं गाइस, ठीक है, क्योंकि हम प्लेयर का स्टेट देखते हैं, वो आपने समझ गए होंगे, ठीक है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि रविंद्र जडेजा तो कुछ खास नहीं कर रहे हैं, वेन्यू भी ठीक परफॉर्मेंस नहीं है, बाकी हेड गार्ड्स में भी कुछ खास विकेट नहीं मिले और दोस्तों रिसेंट भी देख रहे तो ठीक है, बट सभी टीम में लेकर जाना नहीं, इस प्लेयर को देखते हुए जहां तक रख लेना है, भरोसा ज्यादा करना नहीं मेरे भाई। एंड देखिए कॉनवे का बढ़िया परफॉर्मेंस है, कॉनवे और मोइन अली का आप इस मैच में कॉम्बिनेशन एक टीम में करके जा सकते हैं। एडम मार्किन की बात करते हैं जो कि फिलहाल रिसेंट अगर देख रहे हैं तो अच्छी बैटिंग देखने को मिल रही, 37 नॉट आउट उसको 50 फिर 22 पहले मैच दोस्तों फ्लॉप हुए, इस पर दोस्तों आप करा नहीं रहे। एंड चेन्नई के केस में 3 मैच है जिसमें 30 रन है, 10 करोड़ से बैटिंग करें, ग्राउंड दोस्तों एक भी मैच नहीं, ज्यादा भरोसा इनके ऊपर भी नहीं करना, बट ओनली वन दोस्तों आपको टीम में लेकर जाना है जहां तक मुझे लग रहा है चांसेस इनके स्पेल के भी हो सकते हैं। एंड उसके बाद करते हैं वासिंग सुंदर की, रिसेंट देख रहे हैं आउट ऑफ फॉर्म है गाइस, हर मैच में ना ही दोस्तों उनका विकेट मिला ना ही कुछ खास रन, क्योंकि बैटिंग और बहुत नीचे है। चेन्नई के केस में अगर हम बात करते हैं 6 मैच में 37 रन है और 4 विकेट भी 6 मैच में, और वेन्यू में दोस्तों 3 मैच में 18 रन है 2 विकेट भी है, तो कहीं इस मैच के लिए अच्छी फॉर्म में आ सकते हैं ये अगर इस पर इनको मिलते हैं, क्योंकि यार चेन्नई के लिए देखते हैं तो फिलहाल ये थोड़ी बहुत अच्छी फॉर्म में भी 6 मैच में 4 विकेट है, ग्राउंड पर भी 2 विकेट इनके 3 मैच में मिल रही है। मार्को जॉनसन की बात करते हैं गाइस, तो फिलहाल रिसेंट अगर हम देख रहे हैं तो अच्छी फॉर्म में यार, हर मैच में बंदा विकेट लेकर के आ रहा है। एंड उसको चेन्नई के केस में 2 मैच में 1 विकेट है, इस ग्राउंड पर अगर हम देखते हैं फिलहाल जो फिलहाल इनका एवरेज है गाइस 2 मैच में 2 विकेट, तो यार मार्को जॉनसन भी हमारी टीम में रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बात करें अभी के लिए क्या करेंगे सिलेक्शन की, मोइन अली ठीक है, जडेजा को दोस्तों आप रख सकते हैं, बाकी एडम मार्कम सुंदर को जहाँ तक पहले टीम से टॉप करेंगे, बट मार्को जॉनसन एडम मार्कम दोस्तों जरूर रखेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं अब फिलहाल यहाँ पे बॉलिंग सेक्शन जो आपको प्लेयर मिल रहे हैं दोनों टीम के, सबसे पहले बात करें चेन्नई की तरफ से महेश निकेसर की, कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है यहाँ पे, अगर हम लास्ट मैचेस की परफॉर्मेंस की बात करें देखिए 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, तो मतलब कहीं ना कहीं चांसेस कम रहते हैं गाइस। हेडवर्ड की बात करते हैं हैदराबाद के केस में 2 मैच में 0 विकेट है गाइस, वेन्यू पे 1 मैच में 0 विकेट है, तो कहीं ना कहीं स्पिनर को भी कुछ जो कि ज़्यादा हेल्प नहीं मिले, कुछ खास हेल्प जो कि कुछ खास बॉल स्पिनर को ही मिल रही है, जैसे कि मोइन अली को देख रहे हैं अच्छा रिकॉर्ड है गाइस, ठीक है। एंड उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे टीम सिलेक्शन की, तो सभी टीम में महेश साड़ा को भी दोस्तों हमें लेकर नहीं जाना, बट ट्रंप भी हो सकता है ये भी मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। मधीसा पत्राना की बात करते हैं रिसेंटली, अगर आप देखते तो पहला IPL मैच में जिसमें 2 विकेट मिले, बाकी रिसेंट भाई कंसिस्टेंट है और हेड टू हेड वेन्यू में दोस्तों एक भी मैच नहीं है, टीम में रखने की नहीं रखने गाइस, आपको पता है पेसर है, तो जहां तक कुछ पेसर को भी हम लेकर के चलेंगे साथ में तो पेसर को रख सकते हैं गाइस। दोस्तों तुषार देशपांडे देखिए कंसिस्टेंट है गाइस, यहां पे हर मैच में विकेट मिले 2 विकेट 2 विकेट 3 विकेट। एंड हेड टू हेड में दोस्तों हैदराबाद के केस में 1 मैच में 0 विकेट है गाइस, एंड वेन्यू पे इन्होंने 1 मैच खेला है मेरे भाई जिसमें 4 विकेट है एडवांटेज के साथ में, तो भाई ये प्लेयर हमें मिल चुका है तुषार देशपांडे, इसको भी रखना है, ये ट्रंप रहेगा। और अब भी आपको कॉम्बिनेशन करना है कि कौन भी बढ़िया है, मोइन अली भी बढ़िया है और यहाँ पे तुषार देशपांडे भी दोस्तों बढ़िया है, तो ये 3 प्लेयर आपको मिल चुके हैं एक टीम से, अगर इनका सिलेक्शन करना चाहते हैं कॉम्बिनेशन आपस में करना चाहते हैं दोस्तों कर सकते हैं, कैप्टन वाइस कैप्टन की चॉइस आपको बता रहा हूँ। उसके बाद हैदराबाद की तरफ से आपको बॉलिंग सेक्शन जो प्लेयर मिल रहे हैं भुवनेश्वर कुमार, नटराजन, मैंक मार्कंडे। दोस्तों बात करें भुवनेश्वर कुमार की, तो रिसेंट देखिए सभी मैचेस में इनको विकेट मिल रही है, ठीक है, जो लास्ट के 4 मैच की बात कर रहे हैं तो एक एक विकेट जरूर मिल रही है। एंड चेन्नई के केस में 16 मैच है दोस्तों 10 विकेट है, इस ग्राउंड पे 8 में 6 विकेट है, ज्यादा भरोसा नहीं रहेगा, ज्यादा ज्यादा एक ही विकेट मिलेगी। एंड उसके बाद बात करते हैं नटराजन की, देखिए फिलहाल इनको भी विकेट मिली हुई है नटराजन को भी। एंड अगर बात करें टीम सिलेक्शन की मेरे भाई, तो टीम में तो हम लेकर चलेंगे नटराजन को, क्योंकि जहां तक इस मैच में कुछ अच्छा फॉर्म रहेगा इनका, क्योंकि दोस्तों चेन्नई के केस में 4 मैच उसमें 8 विकेट है, इस ग्राउंड पर 2 मैच में 2 विकेट है, तो अभी के लिए मैं आपको बता दूंगा यहाँ पे मेरी टीम में चुनेंगे तुषार देशपांडे, ठीक है, जहां तक ठीक साड़ा या मथिर साहब पथिराना तो मैं किसी एक को रखूंगा, तो चलिए मैं यहाँ पर पथिराना को रख सकता हूँ बस, ठीक है, क्योंकि इनका रिसेंट फॉर्म देखते हुए। एंड उसके बाद हैदराबाद की तरफ से नटराजन को दोस्तों रख लीजिएगा। मयंक मार्कंडे की बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट वाले मैच उनको विकेट नहीं मिली, बाकी स्पिनर गए तो कुछ खास हेल्प हो सकती है। चेन्नई के 3 मैच है दोस्तों 3 विकेट है, वेन्यू पे एक भी मैच नहीं है, अगर आप 4 बॉलर के साथ जाना चाहते हैं तो फिर आपके पास मयंक मार्कंडे का भी दोस्तों ऑप्शन रहेगा मेरे भाई। आप बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर बैटल की, उसके अकॉर्डिंग हम टीम का सिलेक्शन बहुत ही तगड़े तरीके से कर पाएंगे। तो फिलहाल कैसे अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए प्लेयर बैटल की, मतलब प्लेयर बैटल दोस्तों क्या होता है कि जब जब बैट्समैन किसी बॉलर के सामने खेले तो उस बॉलर ने उनको कितने बार आउट किया, जैसे कि नटराजन दोस्तों यहाँ पे गायकवाड़ को कितने बार आउट किया,
तो फिलहाल देख लीजिए, और 17 गेंद जो कि नटराजन ने रिकॉर्ड कराई जिसमें कि 27 रन दिए और दो बारी आउट किया। वास्तविक सुंदर ने 91 को 59 गेंदों में 158 रन दिया, दो बारी आउट किया। भुवनेश्वर कुमार ने अजिंक्य रहाणे को 103 गेंदों में 90 रन दिए और 6 बारी आउट किया। तो यार देखिए भुवनेश्वर कुमार ही दिक्कत हो सकते हैं अजिंक्य रहाणे के, अजिंक्य रहाणे आपको पता तीसरे नंबर बैटिंग करने आते हैं, और जहां तक विकेट अगर स्टार्टिंग की गिरती है तो फिर ये भाई स्पेल जो कि स्टार्टिंग कवर रहता है भुवनेश्वर कुमार का भाई, तो कहीं ना कहीं लपेट देंगे। ठीक है, भुवनेश्वर कुमार ने मोहन अली को 18 गेंदों में 20 रन दिए और 4 बारी आउट किया है, तो भुवनेश्वर कुमार भी इंपोर्टेंट हो सकते हैं। अंबती राइडू को दोस्तों सुंदर ने 29 गेंदों में 36 रन दिए और दो बारी आउट किया। नटराजन ने महेंद्र सिंह धोनी को 12 गेंदों में 20 रन दिए और दो बारी आउट किया। रविंद्र जडेजा ने मयंक अग्रवाल को 9 गेंदों में 19 रन दिए और एक बारी आउट किया। रविंद्र जडेजा ने राहुल त्रिपाठी को दोस्तों 20 गेंदों में 20 रन दिए, दो बारी आउट किया। और महेश तिकसाड़ा ने हेनरिक क्लासन को 19 गेंदों में 15 रन दिए और दो बारी आउट किया। गए ये था प्लेयर बैटर जो कि आप देख सकते हैं किस हिसाब से कॉम्बिनेशन करना। गए जैसे मैंने आपको बताया कि आपको यह भी पता होगा कि कौन बॉलर स्टार्टिंग कवर लेकर कहता है, कौन सा पावर प्ले में, और दोस्तों ये भी पता होगा कौन सा बैट्समैन कब बैटिंग करने आता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। बाकी एक टीम मेरी क्या रहेगी वो मैं आपको शो कर देता हूं। एंड दोस्तों ये मेरी पहली टीम रहेगी जो कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से मैंने सिलेक्शन किया गाइस। एंड अगर आपको कुछ चेंजमेंट करना है गाइस, आपके पास ऑप्शन रहेगा हैरी ब्रूक का यहाँ पे, अगर आप टीम में उनको जगह देना चाहते हैं फिलहाल, तो आप यहाँ पे भुवनेश्वर कुमार को दोस्तों ड्रॉप करके जा सकते हैं। ठीक है, एंड भुवनेश्वर कुमार को ड्रॉप करके आप यहाँ पे हैरी ब्रूक को रख सकते हैं। बाकी एक टीम का सिलेक्शन दोस्तों मेरा कुछ इस प्रकार से रहेगा। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें गाइस, यहाँ पे मैं कैप्टन जो कि डेविन कॉर्नर को बना सकता हूँ और वाइस कैप्टन मोइन अली को इस टीम में। ठीक है, एंड जो और अपडेट रहेंगे दोस्तों मेरे टेलीग्राम चैनल मिलेगा, तो फटाफट आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। सभी फैंटेसी एप्लीकेशन की टीम आपको वहाँ पर मिलेगी, तो आप लोग ज्वाइन करिए गाइस और एक अच्छा विन करिए। होप दोस्तों वीडियोस पसंद आए, लाइक करें, चैनल पर सब्सक्राइब करें। चलिए मित्र छोड़ में जय हिंद जय भारत।